देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने फिर से आए हैं एमटीएस, एसएससी एमटीएस 2019 जो है उसकी कट ऑफ क्या रहेगी। जैसा कि आप सबको पता है कि 10,000 प्लस पोस्ट हैं और ऑल ओवर इंडिया हैं, किसी भी राज्य में आपको जो मिल सकती है अगर आप उसकी कट ऑफ क्लियर करेंगे। तो इसके अंदर जो फॉर्म फिलअप हुए थे, फॉर्म फिलअप जो हुए थे वो हुए थे लगभग 38 लाख के आसपास हुए थे, और जो पेपर देने गए थे बंदे, जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे वो लगभग 19 लाख के आसपास, यानी कि 50% जो बच्चे थे वो ही जा पाए थे या किसी वजह से गए थे एसएससी एमटीएस का पेपर देने। अब कुछ लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2 अगस्त से इनके पेपर स्टार्ट थे, 2 अगस्त से, और जो चले थे लगभग 19 या 22 अगस्त तक गए थे वो पेपर चले थे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 80 जाएगी यूआर की, 80 मार्क्स जाएगा 100 में से, 100 मार्क्स का एक टोटल पेपर था, टोटल मार्क्स इसके अंदर 100 थे, 100 मार्क्स। अब आप खुद समझदार हैं कि अगर इसके अंदर 2 पेपर हैं, टायर 2 है, पहले टायर फर्स्ट है, पहले टायर फिर टायर सेकंड है जो डिस्क्रिप्टिव होगा। आप खुद समझिए, अगर फर्स्ट पेपर की जो कट ऑफ है वो 80 चली जाएगी, यानी कि 80% हो गया 100 में से, तो दूसरे पेपर के लिए बच्चे कहाँ बचेंगे? 80% लाने वाले बच्चों में एवरेज बच्चे तो कहीं है ही नहीं, ये सब टॉपर हैं 80% जो लाएंगे। तो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा एक तरीके से, जो फैक्ट होगा मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ जो बनेगी वो कैसे बनेगी। ये नॉर्मलाइजेशन में आपके 2 या 5 नंबर तक बढ़ सकते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। कोई आपको बताए कि 20 बढ़ जाएंगे, 30 बढ़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन में आपकी एक्यूरेसी का फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर आपने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और आपके उसके अंदर से 75 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हैं, तब आपकी नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने के चांस हो सकते हैं कि आपके 7 मार्क्स तक बढ़ जाएं, या 7 से 10 मार्क्स तक बढ़ जाएं। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि इतनी एक्यूरेसी किसी की नहीं होती, सबकी जो एक्यूरेसी रहती है वो 70% से 75% के बीच में रहती है। लेकिन आज जो 5% लोग होते हैं, 5% जो लोग होते हैं उनकी एक्यूरेसी होती है 90% या फिर 95% या फिर 95%। ये वो लोग होते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करके होते हैं और किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। ये एमटीएस का एग्ज़ाम जो था 10th लेवल का था, सबको पता है इसका लेवल कुछ था नहीं, मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, इंग्लिश काफ़ी ईजी पूछे गए थे। तो मैं आपको ये सब फैक्ट्स मद्देनज़र रखते हुए कट ऑफ बताता हूँ। ये हमारी कैटेगरी है यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी। जनरल ये 4 कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अब इसमें देख लेते हैं कि मार्क्स कितना रहेगा। 100 में से अगर मार्क्स की बात करूँ तो भी उतना ही है, परसेंटेज की बात करूँ तो भी उतना ही है। तो मेरा नज़रिया जो कहता है, और ये आप भी सोच सकते हैं, कि जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो 65 से 75 नंबर तक जा सकती है। इसमें आप प्लस माइनस 5 कर सकते हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो ये 70 से 80 तक जा सकती है जनरली। किसी किसी राज्य में, जैसे जो हाई जोन राज्य हैं, दिल्ली हुआ, इनमें ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन एक्चुअली जो नॉर्मली रहेगी, एक एवरेजन जो रहेगा वो 70 से 80 के बीच में रहेगा। और जो ओबीसी की है वो लगभग आप देख सकते हैं कि 65 से 75 तक ओबीसी वाले, जिनके इतने के बीच में बन रहे हैं, इसके अंदर आप नॉर्मलाइजेशन भी जोड़ सकते हैं, प्लस माइनस भी कर सकते हैं। ये मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेके बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी।
एससी की अगर हम बात करें तो अगर किसी के 60 से 65 के बीच में अगर नंबर बन रहे हैं तो वो सेफ है एससी की अगर हम बात करते हैं। और एसटी की हम बात करते हैं ज़्यादा फर्क नहीं रहता अब एससी में एसटी में, तो ये मान लीजिए 58 से 62 के बीच में अगर किसी के मार्क्स बन रहे हैं तो वो सेफ है। अब आप देख लीजिए आपके आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।